नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। द वायर हिंदी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आज हैं यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन सेंटर के बाहर, JNU, जो कि देश की सबसे प्रगतिशील यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उस JNU में जहाँ पे वाद विवाद, सोच विचार, वैचारिक मतभेद की आज़ादी की बात की जाती है, हमेशा सुर्खियों में रहने वाली JNU में आपने अक्सर ही लाल सलाम, लाल लाल लहराएगा, क्रांति और इंकलाब के नारे सुने होंगे। पर उसी यूनिवर्सिटी में रविवार को कारगिल विजय दिवस में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे। बताया जा रहा है 2200 मीटर लंबा एक तिरंगा लेके JNU कैंपस में मार्च हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, VK सिंह, गौतम गंभीर, एक्स आर्मी चीफ जनरल बख्शी जैसे कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने बयान दिए। और वैसे ये सब होना एक इस JNU जैसी यूनिवर्सिटी में ये कम आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन विवाद ने तूल तब पकड़ा जब JNU VC जगदीश कुमार ने अपने बयान में कहा कि उन्हें लगता है कि JNU के छात्रों में सेना के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए और उनके त्यागों को छात्रों के बीच में हमेशा याद दिलाए रखने के लिए JNU में एक टैंक को, आर्मी टैंक को तैनात किया जाएगा, उसकी ज़रूरत होगी। जिस समय जिस यूनिवर्सिटी में सीट कट, फंड कट और सेंटर्स बंद हो रहे हैं, उस समय JNU VC ने सरकार से मांग की, तो वो मांग थी टैंक के तैनात होने की। उसी सिलसिले में यहाँ एडमिशन असिस्टेंस के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनसे हम बात करेंगे और उस बातचीत में हम पता करेंगे कि स्टूडेंट्स का क्या विचार है इन बातचीत में। हमारे साथ सबसे पहले यहाँ हम बापसा के एडमिशन असिस्टेंस के टेबल के बाहर हैं, जहाँ हमारे साथ राहुल हैं। राहुल से बातचीत करेंगे। प्रवीण हमारे साथ हैं। और प्रवीण, ये जो पूरा विवाद हुआ रविवार को JNU में, ये टैंक को तैनात करने की जो बात हुई, आपको क्या लगता है कि क्यों VC को ऐसा लगता है कि JNU कैंपस में, यूनिवर्सिटी के अंदर आर्मी टैंक को तैनात करना चाहिए? सबसे पहले तो ये बात बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय का मतलब होता है कि उसके अंदर एक रिसर्च होना है, एक पढ़ाई होना है, जिसमें तमाम सारे डिपार्टमेंट हो, जिसमें तमाम सारे लाइब्रेरी हो, जिसमें तमाम सारे किताब मिल जाए, ये विश्वविद्यालय का मतलब होता है। अगर विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट है, सेंटर है, स्कूल है, हाँ, लाइब्रेरी है, स्टूडेंट्स रहना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए, 2017 में, 2016 दिसंबर का आखिरी में ये यूनिवर्सिटी का 142nd एकेडमिक काउंसिल मीटिंग हुआ था, उसमें ये वाइस चांसलर एक UGC गजट पास करवाया, जिसका चलते 100% वाइवा हो गया। उसके ऊपर सीट कट हुआ, कम से कम 900 करीब सीट कट हुआ यूनिवर्सिटी में। उसके चलते हुए MPhil PhD में इस बार एडमिशन नहीं हुआ, लिटरली एडमिशन नहीं हुआ। दूसरी बात, ये यूनिवर्सिटी में दूसरा समस्या वाइवा वॉइस में डिस्क्रिमिनेशन, जिसका चलते SC ST OBC से तमाम सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होते जा रहे हैं। इसके अलावा माइनॉरिटी डिप्रेशन पॉइंट्स इस यूनिवर्सिटी में नहीं है। आप अगर देखेंगे सचर कमिटी रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा, ये दोनों कमिटी रिपोर्ट यही बात बोलती है कि माइनॉरिटी जो है एजुकेशन में आगे नहीं है, सिर्फ 4% या 5% जो है सिर्फ जो एजुकेटेड है, उसमें भी बहुत कम लोगों को नौकरी मिला है। तो वर्तमान समय में हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक माइनॉरिटी डिप्रेशन पॉइंट्स लागू करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर देखा जाए यूनिवर्सिटी में और क्या क्या समस्या है। यूनिवर्सिटी में एक सीट कट हुआ है, तो हमको सीट्स बहुत ज़रूरी है। जब तक सीटें नहीं रहेंगे, तब स्टूडेंट कहाँ रहेगा? अगर हम JNU को एक यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उसमें सीट भी तो होना चाहिए ना। यहाँ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आके पढ़ाई करे, रिसर्च करे, अपना MPhil लिखे, PhD लिखे, सबसे पहले तो MPhil PhD में सीट्स होना चाहिए। दूसरी बात, माइनॉरिटी डिप्रेशन पॉइंट होना चाहिए। तीसरी बात, वाइवा वॉइस में डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए। ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक इस चीज़ को वाइस चांसलर एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक इस यूनिवर्सिटी में कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। रही बात मिलिट्री टैंक की, वाइस चांसलर सोच रहे कि मिलिट्री टैंक ला के विद्यार्थियों के बीच में एक नेशनलिज्म का, मतलब नेशनलिज्म को लेकर सोच बढ़ेगा, ये गलत फहमी है। मिलिट्री टैंक लाने से कोई नेशनलिज्म नहीं आएगा। बात यह है कि देश जनता से बनता है, कोई मिलिट्री टैंक से नहीं बनती है। मिलिट्री टैंक किसका सिंबल है? मिलिट्री टैंक एक आर्मी का सिंबल है, मिलिट्री टैंक एक युद्ध का सिंबल है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को लेके कोई चीज़ चर्चा होना चाहिए, पढ़ाई को लेके कोई चीज़ आना चाहिए, पढ़ाई को लेके डिपार्टमेंट, एक नया डिपार्टमेंट, एक नया सेंटर, एक नया लाइब्रेरी, एक नया किताब, एक नया पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। मिलिट्री टैंक ला के यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में पता नहीं क्या सोचने
क्या सोच रहे, ये तो गलत बात है ना मिलिट्री रैंक लाना। ये थे प्रवीण, जिन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ में और भी बड़ी समस्याएं हैं जिन पे फोकस होना चाहिए, जिन समस्याओं पे बात होनी चाहिए। और हमारे साथ यहाँ और भी लोग हैं जो बातचीत अगर हमसे करना चाहें। आपका नाम? मेरा नाम एजाज़ अली शाह है। एजाज़ अली शाह, ये NSUI की हेल्प डेस्क में ये लोग हैं। और रविवार को यहाँ JNU में जो एक मार्च हुआ तिरंगे के साथ, जिसमें JNU VC का एक बयान आया कि यूनिवर्सिटी के अंदर आर्मी टैंक तैनात कर देना चाहिए, अलग अलग लोगों ने अपने और भी बयान दिए। आपको क्या लगता है, आर्मी टैंक तैनात करने से छात्रों के अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग जनरेट की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है, या क्या करेगा आर्मी टैंक यूनिवर्सिटी में? मुझे लगता है हमारे जो VC हैं इन्हें अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। शायद गौमित्र PP के उनका दिमाग अब बिल्कुल काम करना बंद हो गया, तो उन्हें एजुकेशन पे काम करना चाहिए, ना कि आर्मी टैंक को लाके कोई कैंपस में रखने से कोई राष्ट्रवादी ज़्यादा पैदा हो जाएंगे कैंपस। अगर उन्हें लगता है कि आर्मी का टैंक ला के रखें तो उससे राष्ट्रवाद जो है स्टूडेंट्स के बीच में बढ़ जाएगा, तो मुझे लगता है कि उनको RSS के ऑफिस में एक आर्मी का टैंक रखवाना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र को अगर कोई बर्बाद अभी कर रहा है वो RSS है, बजरंग दल है, जो अपने ट्रेंड करके गांव रक्षक भेज रहे हैं, जाके वो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो मुझे लगता है, क्योंकि अभी जो आपको पता होगा हाल ही में जो ISI के एजेंट पकड़े गए थे वो RSS वाले थे, तो मुझे लगता है यहाँ के JNU के स्टूडेंट तो राष्ट्रवादी हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी एंटी नेशनलिस्ट है यहाँ पे। उन लोगों को जाके राष्ट्रवाद का ज्ञान दें और उनके सामने जाके टैंक रखें, अगर टैंक से राष्ट्रवाद पैदा होता। मुझे लगता नहीं कि टैंक रखने से कोई बहुत ज़्यादा इस तरीके का कुछ हो जाएगा। तो आप बात करेंगे, आपको लगता है कि JNU कैंपस के अंदर टैंक रखवाना तो एक बात हो गई, लेकिन फिर भी तिरंगे से जो 2200 मीटर लंबा तिरंगा लेके मार्च हुआ, क्या उससे राष्ट्रवाद लोगों के अंदर पैदा किया जा सकता है, या फिर राष्ट्रवाद पैदा करने की ज़रूरत है JNU में? देखिए, ये सिंबल की राजनीति जो ये करना चाह रहे हैं संघी लोग, पहली बात इनको आता नहीं है ढंग से। अब मैं ये कहूँ कि अगर घरों के अंदर में मैं ट्रैक्टर या हल ला कर रखूँ तो क्या उससे किसानों का जो दर्द है, जो 1 रुपये किलो का जो टमाटर या प्याज बेच रहा है और जो 90 यहाँ पहुँचता है, क्या उसके दर्द को हम उपभोक्ता समझते हैं? ये बात अगर ऐसा हो तो मैं अब हर एक के घर में, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, अगर मुझे मौका मिला राहुल गांधी को बात कहने का, मैं उन्हें कहूँगा कि चलो अब हम इसका प्रमोशन करते हैं कि हर घर के अंदर ट्रैक्टर का एक सिंबल होना चाहिए और हल होना चाहिए, क्योंकि मेरा मुल्क जो है, मेरा राष्ट्र किसानों से बना हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, जिस टैंक की ये बात कर रहे हैं कि टैंक रखवाएंगे, मेरे मुल्क की समस्या, लोग जो बॉर्डर पर कम मर रहे हैं लेकिन इस मुल्क में गरीबी, भुखमरी, बीमारियों से ज़्यादा मरते हैं। और मोदी जी ने एक स्कीम चलाई थी जिसे बोलते स्वच्छ भारत अभियान, अगर आपको टैंक लगवाना है तो आप सेप्टिक टैंक लगवाओ, हाँ, जिससे देश का सच में भला हो। हमारे कैंपस में, हमारे हॉस्टलों में अच्छे अच्छे सेप्टिक टैंक की सुविधाएँ हैं। कुछ लोगों का दिमाग इस मुल्क में, जो ये ठेकेदार बन रहे हैं राष्ट्रवाद के, जो निक्कर वाला राष्ट्रवाद, पहली बात है हमारा 5000 साल पुरानी सभ्यता में बताओ निक्कर किस देवी देवता ने पहनी है? ये निक्कर का राष्ट्रवाद जो लेकर आए हैं, ये हिटलर का राष्ट्रवाद लेकर आए हैं, मुसोलिनी का राष्ट्रवाद लेकर आए हैं, और उन वहाँ से छीने, अरे विदेशी चीज़ों को तुम देसी बना रहे हो और तुम कह रहे हो कि राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद खालिस बुद्ध का, नानक का, कबीर का, जैन का, कृष्ण का, इन सब का राष्ट्रवाद है। और जो गांधी आखिर में उसे कल्मिनेट करता है और वो कहता है कि मेरी पीठ पर लाठी मारो और उसके बाद हम आज़ादी लेकर आते हैं, हमने लाठी खाकर ये राष्ट्र बनाया है। ये राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि हम लाठी लेकर आओ, बच्चों के अंदर सेना का वो दिखाओ। मेरी खुद की फैमिली ने करगिल वॉर में पार्टिसिपेट किया था, मेरे अंकल, दो अंकल, एक अभी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, दूसरे अंकल लोअर रैंक पर थे। मैं जानता हूं कि आर्मी मेंस के साथ क्या होता है, जो लोअर रैंक वाले लोग होते हैं उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर मैं राष्ट्र का सम्मान करना है तो उन लोअर रैंक वालों के साथ जो ऑफिसर्स उन मिसट्रीट करते हैं उसमें सुधार करें। और आखिरी पॉइंट ये है, करगिल वॉर के दौरान में, जिसका ये सेलिब्रेशन इन्होंने यहाँ किया था, करगिल वॉर के दौरान में इस मुल्क के एक प्रधानमंत्री के अंदर ही एक घोटाला हुआ था, उसमें उसे कहते हैं कफन, कफन या कफन ही इसे, ताबूत घोटाला,
जिन्होंने हमारे देश के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके ताबूत तक के पैसे खा लिए थे, आज वो हमारे बीच में बात कर रहे हैं कि हम JNU की। और सबसे बड़ी बात, हमें शर्म महसूस होती है कि हमारे यूनिवर्सिटी में आप हमसे आगे पूछ रहे हैं, मीडिया हमसे आगे पूछ रहा है कि हम टैंक पे बात करें ना करें। अरे आप हमसे पूछो कि JNU के स्टूडेंट्स आपकी रिसर्च क्या है, आप ग्राउंड पे क्या खोज कर लेकर आते हो जिसकी वजह से आप इतने मशहूर हो। पर हमें ज़बरदस्ती बात किस पे करनी पड़ती है, टैंक के ऊपर। बस आखिरी मैसेज है मोदी जी का, सुन ले, देख लें अगर कि अगर आपको टैंक देना है तो आप सेप्टिक टैंक पूरे देश में लगवाओ और अपने दिमाग के अंदर जो सेप्टिक टैंक जो आपका पल रहा है उसे साफ करवाओ, यही आपसे चाहेंगे। और आखिरी बात यह है, जो इस देश में बहुत सारे जो लोग हैं जो अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, डूब डूब कर नाले के अंदर घुस के सफाई करते हैं, उससे घिनौना पूरे विश्व में कोई काम नहीं है। और आप कुछ कर सकते हो राष्ट्र के नाम, ये कर दो, आपको JNU लाल सलाम करेगा। तो ये थी NSUI के स्टूडेंट्स जिन्होंने बताया कि ना ही टैंक लगवाने से, ना ही तिरंगा लगवाने से JNU के अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग लाई जा सकती है, ना ही ये लोग राष्ट्रवाद की भावना लाने की ज़रूरत समझते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया कि देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसा जितने भी मज़दूर मर रहे हैं उनके लिए उन ज़रूरतों पे, उन सुविधाओं पे, उन पे बात होनी चाहिए, ना कि किसी ऐसे मुद्दे पे बात होनी चाहिए जो मुद्दा भटकाने की कोशिश हो रही है किसी भी बयानों से। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये एक और एडमिशन असिस्टेंस आयसा का टेबल है। यहाँ पे प्रोफेसर सत्या दास हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे पहले। सर, ये जो पूरा विवाद हुआ JNU में रविवार को, जिसमें तिरंगा लेके मार्च निकाला गया, टैंक की तैनात करने की बात की गई, आपको क्या लगता है जो JNU की इस समय की ज़रूरतें हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी की ज़रूरतें हैं कि सीट कट हो रहा है, फ़ंड कट हो रहा है, सेंटर्स बंद हो रहे हैं, रिजर्वेशन पॉइंट्स घटाए जा रहे हैं और वाइवा वॉइस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये जो कुछ कुछ मुद्दों की वजह से JNU सुर्खियों में आ रहा है, क्या उन मुद्दों को भटकाने के लिए ये टैंक जैसा विवाद बयान दिया गया है? Oh yes, they are trying to, you know, make it a kind of parading ground for this, you know. So the professors are no longer remaining professors, they will soon turn out to be soldiers, you know, parading in the field. But this university is not meant to do that, and VC is not supposed to be doing that. It is not his responsibility. And bringing the cricketers and bringing these army general army chief, and bringing them to the university and wanting a tank to be installed. This is complete, theater of absurd. It's a complete theater of absurd. It's a kind of farce of all that. That is only meant to shut down the university, and you have seen that, you have already mentioned all these, like stopping up the admission. There is no PhD MPhil admission in our center, also in many other centers. So it is the attack on the whole university system of the country, and the university should come, the whole country in fact should protest against this shutdown attempts of on the part of the government and the VC and the administration that is quite influenced by the government decisions to shut down this university or all universities as such. तो ये JNU के प्रोफेसर सत्या दास थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से JNU में आर्मी को, ये चीफ्स को लाके, जनरल्स को लाके एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये बोल रहे हैं कि जिस तरह का ये दौर चल रहा है राष्ट्रवाद का, उसमें प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को राष्ट्रवाद के दौर में रम के सेना के भाव के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करने की जो कोशिश की जा रही है वो सरासर गलत है। और हमारे साथ ये JNU के अध्यक्ष मोहित पांडे हैं। वैसे तो बातचीत सारे ही लोग कह रहे हैं कुछ और विषयों पे होनी चाहिए, जो इस समय यूनिवर्सिटी में चल रहा है, जो ज़रूरतें हैं, इतनी सारी परेशानियां JNU पे हो रहा है, अटैक हो रहा है, जो स्टूडेंट्स की तरफ से ये बात है। आपको क्या लगता है उस मौके पे ये जो आर्मी टैंक तैनात करने का फिर भी एक बयान आया है इसमें, तो ये क्या आर्मी टैंक अगर तैनात कर दिया जाए ये डर का माहौल पैदा करेगा या ये त्याग और राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करेगा? नहीं, सबसे पहले देखिए कि किस समय पर ये बयान दिया गया है। अभी आप जान रहे हैं कि नए एडमिशन हो रहे हैं, नए स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं,
सब जितने भी ग्रुप्स हैं यहाँ पे प्लस हम लोग JNU SU की तरफ से एडमिशन में असिस्टेंस कर रहे हैं, लोगों के बीच में अच्छा माहौल बन रहा है यहाँ की, मतलब JNU की इच्छा भी अच्छी बन रही। ऐसे समय में एक RSS का आदमी जो कि हमारे वाइस चांसलर हैं जगदीश कुमार, वो एक ऐसा बयान देते हैं जो विवाद खड़ा करता है। आज देखिए न्यूज़ चैनल में JNU चल रहा है, फिर से सब 9 फरवरी का हो हल्ला कर रहे हैं। उनका मकसद यही साफ था, उनको JNU की अच्छी छवि को किनारे ढकेल के JNU की वो 9 फरवरी वाली छवि जो मीडिया चैनलों ने बनाई थी, जो इस सरकार ने बनाने की कोशिश की थी, उसको सामने लाना था। टैंक वैंक बहाना है, राष्ट्रभक्ति इनका बहाना है। असल में ये राष्ट्रभक्ति नहीं लाना चाहते। अगर जो भी व्यक्ति राष्ट्रभक्ति लाना चाहेगा वो किस कहीं की 800 सीटें क्यों कट कर देगा, वो कहीं पे रिजर्वेशन क्यों कट कर देगा, वो एजुकेशन में फंड कट जो हो रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलेगा। तो साफ मकसद साफ है, वो चाहते हैं कि नए स्टूडेंट आ रहे हैं उस समय विवाद खड़ा करके कोई JNU के बारे में विवाद खड़ा करके कोई लाइमलाइट में आया जाए और RSS की गुड बुक्स में आया जाए। और एक और बात, सवाल आपसे मोहित, कि ये जिस तरह से इस सेना के जो जवान होते हैं उनके अंदर एक ट्रेनिंग किया जाता है कि उनके अंदर ये राष्ट्र के प्रति, नेशन के प्रति, सीमा के प्रति, बाउंड्री के प्रति एक भावना राष्ट्रवाद की, देश के प्रति प्रेम की, त्याग की, हर समय ये करेज लाने की कोशिश की जाती है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर क्या स्टूडेंट्स के अंदर इसी तरह की भावना को पैदा करने के लिए ये बयान दिया गया है? देखिए मैं दूसरे तरीके से इसको समझता हूँ। आप देखिए अभी कैग की रिपोर्ट आई है, कैग की रिपोर्ट ने बोला है कि सेना के पास इतने मतलब अस्त्र शस्त्र नहीं है कि वो 10 दिन भी युद्ध लड़ सके। अरे आपको टैंक देना है खरीद के तो जाकर वहाँ पे दो बॉर्डर पे। JNU के लोगों को किताबों की ज़रूरत है, JNU के लोगों को लाइब्रेरी की ज़रूरत है, JNU के लोगों को सीटों की ज़रूरत है, उनको वो दो। यहाँ पे कई सारे लोग आर्मी पे रिसर्च करते हैं, आर्मी पे रिसर्च करके आर्मी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्या क्या मोड में हम जाके चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, उस पर अपने मतलब वो देते हैं, कंक्लूजन देते हैं। अगर कुछ कोशिश करनी चाहिए कि उस रिसर्च को कैसे जगह मिले उसकी कोशिश करनी चाहिए, तो वो हो नहीं रहा है। वो 800 सीटें कट कर दी हैं, कितने लोगों को बाहर निकाल दिया। आर्मी की हिस्ट्री पे जो लोग रिसर्च करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जो रिसर्च करते हैं, उनको बाहर निकाल दिए। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे टैंक खरीद के दे नहीं रहे हो, जहाँ पे नहीं ज़रूरत है, जहाँ पे किताबों की ज़रूरत है, कलम की ज़रूरत है, सीटों की ज़रूरत है, वहाँ पे टैंक टैंक करके एक उन्मादी जो माहौल है वो खड़ा करना चाहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित हमारे साथ जुड़ने का। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं यहाँ जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तब्रेज हैं JNU SU के। तब्रेज, कल एक्स आर्मी चीफ ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि किसी भी देश में सेना को कोई भी सवाल उठाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता है, पर सिर्फ भारत में क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो कुछ देशद्रोही लोग हैं जो इस पे सवाल उठाते हैं। तो सवाल उठाने को हमेशा देशद्रोह से जोड़ देना, या फिर 9 फरवरी में हमने देखा है कि कितने सारे स्टूडेंट्स पे देशद्रोह का मुकदमा लगा, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, इस बयान को जो एक्स आर्मी चीफ ने दिया? देखिए एक्स आर्मी चीफ जैसे GD बख्शी जैसे लोग या इस तरीके से जो भी लोग हैं, ये हमेशा ड्रीम लाइट पर आना चाहते हैं, और ये जिस तरीके से बात बोल रहे हैं ये तो एकदम खुल्लम खुल्ला मैसेज है कि एक हायर्ड किया हुआ एक RSS का एक बहुत अच्छा ग्रुप है, क्या कहा जाए कि हायर्ड किया हुआ एक चापलूस तरीके से है कि हर जगह आके बयान दे रहे हैं। और जहाँ तक हमारे वाइस चांसलर की बात है या RSS का ये जो कल जो हुआ इस कैंपस में, जैसे नॉर्थ गेट से आकर के यहाँ तक जो वो स्टेज मतलब प्रोटेस्ट किया, जो भी किया, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक बात बतलाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो वाइस चांसलर ने 30 लोगों की ज़िंदगी जो बर्बाद किया है, यहाँ पे जो 30,000 रुपये करके फाइन मारा है, यहाँ पे कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल में नहीं लिखा हुआ किसी का रजिस्ट्रेशन रोका जाए, वो जो रोका हुआ है, वो जो मुद्दा इस कैंपस में चल रहा है, उस मुद्दा को भटकाने के लिए वो टैंक और ये सब लेके आ रहा है। तो वाइस चांसलर से हम पूछना चाह रहे हैं कि वाइस चांसलर कल 1.5 घंटा वहाँ पे गेट बंद किया नॉर्थ गेट, और वही गेट पे जब स्टूडेंट UGC गैजेट को लेके बैठे थे तो वहाँ पे लोगों पे 30,000 रुपये फाइन मारा, क्या वाइस चांसलर पे? हम इस बात से हम सारे मतलब यूनिवर्सिटी और कम्युनिटी को बताना चाहते हैं, क्या वाइस चांसलर पे 1.5 लाख का फाइन नहीं होना चाहिए? तो इस बात से ये सब एकदम फर्जीवाड़ी है। और ये जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं या टैंक से जोड़ रहे हैं, कश्मीर में तो 1947 से टैंक रखा हुआ है, तो वहाँ पे तो राष्ट्रवादी आ जाता है, लेकिन वहाँ पे तो नहीं आया। तो सवाल यह है कि वो सब एक फर्जीवाड़ा है, और वो JNU को इस तरीके से वो जो है हमेशा बदनाम करते हुए और बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग JNU SU के तरफ से ये बात बतलाना चाह रहे हैं कि वाइस चांसलर को सबसे पहले सीट कट का जवाब देना चाहिए, हम लोगों जो फाइन मारा उसका जवाब देना चाहिए, और जो अभी JNU को कम्प्लीट बदनाम करने का जो रवैया वाइस चांसलर इख्तियार किया हुआ उसका जवाब देना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद तबरेज़ हमारे साथ जुड़ने का। ये कुछ और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, आपका नाम? नहीं, मैंने कुछ नहीं। अच्छा, सतीश हैं हमारे साथ पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। हमारे साथ और हैं, आपका नाम? विजय। विजय हमारे साथ है। विजय, एक जनरल बख्शी का भी बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि आर्मी जो है वो अच्छे से जानती है ह्यूमन राइट्स के बारे में, और आर्मी के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का कास्ट यानी जाति धर्म के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं है आर्मी के अंदर। इस बयान पे मेरे कुछ सवाल हैं। मेरा पहला सवाल जो मैं आपसे करूँगी कि क्या आपको लगता है कि आर्मी और मानव अधिकार, जो उन्होंने बोला कि ह्यूमन राइट्स को आर्मी जानती है, वो कश्मीर और छत्तीसगढ़ या देश के किसी भी कोने में देखते हुए आपको लगता है कि आर्मी मानव अधिकारों को प्रयोग ठीक से कर रही है या लोगों को दे रही है? सबसे पहली बात कि शायद उन्हें मालूम भी नहीं है कि मानवाधिकार का हनन कैसे होता है और किस तरीके से होता है, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर से लेकर हम नॉर्थ ईस्ट के पूरे इलाके में देखें, मैं मनोरमा देवी का जो पूरा एक उस समय हुआ था जो मणिपुर में रेप केस को लेकर, तो उसमें एक सीधी बात आई थी कि भाई मानवाधिकारों की बात नहीं सुनी जाती आर्मी में, और उसके बाद फिर लगातार इस तरीके की बातें आती हैं कि भाई मानवाधिकार पे जो भी काम कर रहा है उसको अगेंस्ट आर्मी के, अगेंस्ट सेना के खड़ा कर दिया जाता है। और ये लगातार मतलब कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ था, फिर बीजेपी के टाइम पे ये ज़्यादा मुखर तरीके से हो रहा है। अभी जैसे कि मैं आपके ही जो वायर है, तो अभी मैं एक पिछले दिनों देख रहा था, तो सुभाष चंद्रा ने कुछ जब जी न्यूज़ के संदर्भ में बातचीत आई थी तो उन्होंने द कायर लिखा था, तो ये एक लगातार और उसको ट्रोल करने वाले भी लोग हैं। तो उसी तरीके की बातें हैं कि अगर आप कुछ सच लिख रहे हैं और जो सच होगा तो जाहिर सी बात है कि बहुसंख्यक जो जनता समझ रही है उसे उल्टा होगा, क्योंकि वो कम लोगों को समझ में आ रहा है। इस ऐसा ही कभी गांधी अम्बेडकर और उससे पहले तमाम सारे लोगों ने किया था, भगत सिंह ने किया था, लेकिन वो हम कैसे देखेंगे? अब जब इतिहास की हमारे पास कोई जानकारी न हो, हमारे पास कोई मानवाधिकार की कोई इन्फॉर्मेशन न हो, तो वो हमें यही लगेगा कि सेना के जवानों के पास भी मानवाधिकार का होता है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो सीधे तरीके से उन लोगों ने ये उसका हनन कर, बल्कि उस प्रक्रिया में वो भी सेना का जवान भी नहीं चाहता कि भाई हम ऐसा करें, लेकिन जब ऊपर से ऑर्डर आता है तो उसको उसी तरीके से बिहेव करना होता है और वह एक मशीन की तरह हो जाता है। बर्तोल्ड ब्रेख्त की जो एक कविता है शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जनरल तुम्हारा टैंक वाली, तो वो बखूबी इस बात को बता रहा है। तो इंसान के अंदर ही ये खूबी है कि वह वही मानवाधिकार का निर्माण भी कर रहा है और वही इंसान उसी एक पक्ष से उसका हनन भी करना चाह रहा है। और बख्शी जी को ये समझदारी नहीं है, बख्शी जी इससे पहले भी टीवी चैनल में मतलब लोगों ने देख देख कर तो तंग आ चुके हैं उनको कि भाई ये अपने उल्टे पुल्टे बयानों से क्या सिद्ध करना चाहते हैं खुद को। विजय ने जो बात बोली कि ब्रेख्त की कविता का रेफरेंस देते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये एक कविता है कि जनरल तुम्हारा टैंक बहुत बड़ा है लेकिन उसे भी एक ड्राइवर की ज़रूरत है, किस तरह से राज्य चाहे सेना हो चाहे लोग हों जिनके मानव अधिकार की बात हो रही है उनको एक दूसरे के खिलाफ दिखाया जाता है। हमारे साथ कुछ और यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो हेल्प डेस्क के अंदर बैठे हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या आप में से कोई बात रखना चाहेगा? आपका नाम? शुभांशु। शुभांशु, जनरल बख्शी का एक बयान था कल जिसमें उन्होंने कहा था कि सेना को बहुत अच्छे से पता है कि ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार कैसे प्रयोग करने हैं, और उसी के उसमें और उन्होंने कहा था कि सेना के अंदर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है किसी भी आधार पर, धर्म जाति या किसी भी आधार पर। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एक आर्मी ऑफ का एक सेना के जवान का बयान आया था कि उनको खाने की स्थिति इतनी ख़राब है, उनके साथ बहुत ख़राब ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे, तो राष्ट्रवाद में क्या सैनिक को प्रयोग किया जा रहा है राष्ट्रवाद का दौर में उसकी देश के प्रति देश प्रेम की भावना के लिए? जी बिल्कुल, हमने ये देखा है और ये मुहिम मेरे ख्याल से जब JNU वाला इंसिडेंट हुआ उससे बाद में जो सरकार के थ्रू ही अपने राजनीतिक एजेंडा को साधने के लिए छात्रों को भी यूज़ किया जा रहा है, सिर्फ सैनिकों को नहीं, छात्रों को और जो आम जनता है उनमें एक ऐसी भावना, एक द्वेष भावना हमारे प्रति, छात्रों के प्रति या छात्रों के रिसर्च के प्रति ये प्रभावित कर रहे हैं।
तो ये एक राजनीतिक एजेंडा है, उसी के मुताबिक ही कल आपने देखा है एक इवेंट हुआ जिसमें प्रशासन ने ऐसे लोगों को बुलाया जो कि आपने देखा है कि कैसे वो मीडिया पर एक जहर उगलते हैं सभी लोगों के खिलाफ, जो भी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो भी लिबर्टीज़ की बात करते हैं, जो भी सिविल राइट्स की बात करते हैं, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं और देशभक्ति और राष्ट्रवाद के नाम पर ही उनको एक हेटरेट भावना जो हमारे समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे जय भीम लाल सलाम का बैनर लगा है और अंबेडकर की तस्वीर है, लेकिन कल एक राजीव मल्होत्रा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि क्षत्रिय सबको हो जाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है, आप बात करेंगे? राजीव मल्होत्रा ने एक बयान दिया था कि सबको क्षत्रिय हो जाना चाहिए और जिस तरह से जेएनयू में रिजर्वेशन पॉइंट्स कम हो रहे हैं, आप इसको इस उनकी इस स्टेटमेंट से, उनकी इतनी कास्ट स्टेटमेंट से आप उनका पूरा अंडरस्टैंडिंग पता लगा सकते हैं जब वो ये बोल रहे हैं, तो आप इसे देख सकते हैं कि अगर स्टूडेंट जो एक दलित स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी में आएगा उसको वो किस तरीके से ट्रीट करेंगे, उसको किस तरीके से मजबूर कर दिया जाएगा कि उसको रोहित वेमुला की तरह सुसाइड करना पड़े, उसको किस तरीके से तमाम तरह से अड़चनें डाली जाएगी कि रिजर्वेशन उसको मिल नहीं सके, और भी तमाम तरीके से चीज़ें करी जाएगी, तो इससे आप उनका समझ सकते हैं, उनका एक कास्टिस्ट माइंडसेट आप समझ सकते हैं। आपका नाम? अमन। ये अमन थे जेएनयू से जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से ये कास्टिस्ट रिमार्क भी दिया गया। हमने और एबीवीपी के छात्रों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन एक बार हम पूछ सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। Excuse me? आप ABVP से बात करेंगे? ये हेल्प डेस्क खाली है और यहाँ पे बात करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं हैं, और ये SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेल्प डेस्क के अंदर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप बात करेंगे। आपका नाम? मनीष हमारे साथ है। मनीष, ये जिस तरह का बयान आया है कल की JNUVC की तरफ से कि JNU में टैंक लगा देना चाहिए, उसी के साथ प्रोफेसर जनरल बख्शी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर के लोगों को अच्छे से पता है, सेना को पता है कि ह्यूमन राइट्स को कैसे यूज़ करना है, तो जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का सवाल है यूनिवर्सिटी में, आप उसको किस तरह से देखते हैं कि क्या ये इस दिशा में जा रहा है कि कौन किस विषय पे बोलेगा, कौन किस विषय पे कितना बोलेगा? क्योंकि जनरली हम यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पे या आर्मी के मुद्दे पे या राष्ट्रवाद के मुद्दे पे जब भी बात होती है तो वो विवाद में बदल जाती है, तो जो ये बयान आया कि सेना को ह्यूमन राइट्स के बारे में पता है, तो इसको आप किस फ्रीडम ऑफ स्पीच से जोड़ के कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटी में टैंक लगाने से वो चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी एक ऐसा जगह है जहाँ पे एडवेंचर ऑफ आइडियाज़, जवाहरलाल नेहरू का फेमस कोट है इलाहाबाद स्पीच का, एडवेंचर ऑफ आइडियाज़ के लिए जाना जाता है। क्या जिन स्टूडेंट के हाथ में किताब और कलम है उनके हाथ से किताब और कलम छीन करके उसके हाथ में अगर हम बंदूक दे दें तो क्या वो बेहतर समाज की सेवा या देश की सेवा कर सकते हैं? हमारा मानना है कि हम लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर में आए हैं पढ़ने के लिए, हम अपनी रिसर्च के थ्रू इस देश के लोगों के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, जो भी दलित, दबित, कुचलित और वंचित लोग हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो हमारे हिसाब से वो देश सेवा है। देश सेवा सीखने के लिए हम लोगों को अपने हाथ में टैंक या बंदूक लेने की ज़रूरत नहीं है, और यही चीज़ इनको भी समझना पड़ेगा कि ये शायद एक तरह का, जो एक खास तरह का जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है वो उसको हमारे ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं, जो कि एक पूरा RSS का जो थॉट है वहाँ से वो ड्रॉ करते हैं। उनका बस चले तो वो RSS का शाखा भी इस कैंपस के अंदर में खोल दें, लेकिन उनके चाहने से या उनके कहने से सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऐसा है नहीं। हमारा कोई आपत्ति नहीं है टैंक वैंक से, टैंक का जरूरत युद्ध स्थल पर होता है, बैटल फील्ड में आप टैंक लगाइए जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पर आपका हाल का रिपोर्ट बताता है कि आपके पास इक्विपमेंट की कमी है वहाँ पर, और यूनिवर्सिटी में ज़रूरत है फेलोशिप का, यूनिवर्सिटी में ज़रूरत है हॉस्टल का, यूनिवर्सिटी में ज़रूरत है कि आप सीट दें। एक तरफ आप 1000 स्टूडेंट को कैंपस से बाहर निकाल रहे हैं और वहाँ दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि उनको देशभक्ति सिखाने के लिए टैंक को घुसाना है, तो इस तरह का चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करता है उन इशू से जो हमारा इशू है, जो छात्रों का इशू है। टैंक हमारा इशू नहीं है, हमारा इशू है हमारा फेलोशिप, हमारा इशू है
कि यहाँ पे लोगों को हॉस्टल मिले, यहाँ पे लोगों को रहने के लिए सही व्यवस्था मिले, लोगों का एडमिशन हो इस कैंपस के अंदर में, जो पिछले एक हज़ार सीट से ज़्यादा का लगभग कट हो चुका है। जहाँ तक बात है कि कश्मीर से जोड़ा गया है इस पूरे मसले को, तो वो कहना क्या चाहते हैं, इसको बहुत सावधानी से सोचने की ज़रूरत है। आज वो बोल रहे हैं कि JNU में टैंक लगाएंगे, कश्मीर में बहुत दिनों से टैंक घुसा के रखा हुआ है उन्होंने। उनका कहना है कि आर्मी के बदौलत हम कश्मीर के ऊपर में, कश्मीर का क्या हालत कर दिया उन्होंने पिछले 3 साल के अंदर में, जो कश्मीर का हालत उन्होंने बना दिया है, जहाँ पे वो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। आखिर वो ह्यूमन राइट का को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं वहाँ पर, वो कहना क्या चाहते हैं, वो हम भी समझ रहे हैं। वो यही समझाना चाहते हैं कि जैसा कश्मीर में गोलियों से भून दिया जाता है लोगों को, JNU में भी भून दिया जाएगा लोगों को। वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो एक क्लियर एग्जांपल जो वहाँ से वो उठाते हैं कि कश्मीर में जिस तरह का सिचुएशन है, उसी तरह का सिचुएशन JNU के अंदर में भी बनाना वो चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था JNU के बाहर, हम कन्वेंशन सेंटर के बाहर, जहाँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने हेल्प डेस्क लगा रखे थे, कुछ कॉमन स्टूडेंट्स भी थे, जिनसे हमने अपनी बातचीत में जाना कि ये जो पूरा रविवार को एक समारोह हुआ, कारगिल दिवस समारोह, जिसमें 2200 मीटर लंबा तिरंगे को लेकर एक मार्च हुआ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, VK सिंह, गौतम गंभीर सहित बहुत अन्य लोग, आर्मी चीफ जनरल बख्शी, बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने बयान दिए, जिसकी निंदा ये सारे स्टूडेंट्स अलग अलग तरीक़ों से कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को टैंक की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी में ज़रूरत है सीट्स की, फ़ंड की, सेंटर्स को बढ़ाने की, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स को बढ़ाने की, जो यूनिवर्सिटी की ज़रूरतें हैं उनसे मुद्दा भटकाते हुए ये JNU VC का बयान, जो टैंक को तैनात करने वाला ये जो बयान आया है, ये यूनिवर्सिटी को फिर से सुर्खियों में ला रहा है। तो ये सारे ही स्टूडेंट्स का एक बात है कि यूनिवर्सिटी में जो ज़रूरतें हैं उन पर बात होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जो किताबें हैं, उनकी जो फेलोशिप है उसको बढ़ाना चाहिए, ना कि आर्मी टैंक को यहाँ पर तैनात करना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका वायर हिंदी से जुड़े रहने का। मैं हूं सृष्टि और धन्यवाद हमारे साथ।